The Lallan Top Show is brought to you by My Store App. Her store online. कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है My Store App. ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में. My Store अब हर स्टोर ऑनलाइन. पहली सुर्खी पश्चिम बंगाल से. विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और वाम दलों ने 193 सीटों का आपस में बंटवारा कर दिया. 101 सीटों पर वाम दल यानी कि लेफ्ट पार्टियां और 92 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी. राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं. बाकी सीटों के लिए आगे की बैठकों में फैसला लिया जाएगा. 2016 में भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था. तब 92 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, जबकि 202 सीटों पर लड़ने वाली लेफ्ट फ्रंट को सिर्फ 32 सीटें मिली थी. दूसरी सुर्खी चुनाव से ही जुड़ी है. आम आदमी पार्टी ने देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला किया है. आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि यूपी, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी. पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो हमने 5 साल में कर दिखाया. अगर 5 साल के अंदर हम लोग ये सब कर सकते थे, तो ये 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले मिलके भी कर सकते थे. इसका मतलब अपने को जानबूझ के देश को पिछड़ा रखा गया, जानबूझ के अपने देश को गरीब रखा गया, जानबूझ के अपने देश को अनपढ़ रखा गया. इन दोनों पार्टियों ने मिलके, मोस्टली तो इन दोनों पार्टियों ने 70 साल में कभी ये कभी वो, एक बार तुम एक बार हम यही चलाया, जानबूझ के इन लोगों ने किया. और आजकल एक पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, वो आपको याद दिलाती है सन 1200 में ये हुआ था, सन 1300 में ये हुआ था, सन 1400 में ये हुआ था. वो ये नहीं बताती किसवीं सदी का भारत कैसा होगा, वो ये नहीं बताती 22वीं सदी का भारत कैसा होगा. वो कहती है 1200 में, सन 1200 में ये हुआ था, इसका बदला लेंगे अब, सन 1300 में ये हुआ. देश को अब तय करना है कि हमें आगे बढ़ना है कि हमें पीछे जाना है. इन पार्टियों के पास कोई विजन नहीं है, इनको यह नहीं पता आगे करना क्या है, इसलिए पीछे वाली चीजों में हमें उलझाए रहते हैं. इनकी नींद खराब है. अगर आप सब लोग देश से प्यार करते हो, तो केवल आम आदमी पार्टी है जिसके पास 21वीं सदी और 22वीं सदी की विजन है. हमारे पास, हमें पता है करना क्या है, और हमें पता है कि वो करने के लिए हमें वहां तक पहुंचना कैसे है. हमें पता है कि पूरे देश को शिक्षित कैसे करना है. हमें पता है कि इस देश के गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे देनी है, हमने करके दिखाया. हमें पता है कि गांव गांव तक, घर घर तक नल में पानी कैसे पहुंचाना है. हम नारेबाजी नहीं करते, ये नारेबाजी करते हैं रोज एक नया स्लोगन, हर घर जल कुछ कुछ, नारे करने से थोड़ी काम चलता है, मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, साफ नियत होनी पड़ती है. एक सुर्खी प्रधानमंत्री मोदी ने भी बनाई. वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस डायलॉग्स एजेंडा में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि भारत से और कोरोना वैक्सीन निकलेंगी. और क्या बोले प्रधानमंत्री, सुनिए. भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया. भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा. हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया. हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया. टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया. इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया. कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया. आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है. आखिरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है. तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद कोरोना को लेकर जिस तरह न्यूज चैनल्स ने रिपोर्टिंग की, उस पर आपत्ति जताते हुए जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से पूछा कि आपने केबल टीवी नेटवर्क और टेलीविजन कार्यक्रम को अलग अलग क्यों रखा है.
सीजीआई ने कहा कि ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम लोगों को प्रभावित करते हैं, तो सरकार इसमें कुछ करती क्यों नहीं। सीजीआई ने कहा कि आपने तब तो इंटरनेट बंद कर दिया जब किसान दिल्ली पहुंचे, फिर यहां कार्रवाई क्यों नहीं। कोर्ट के मुताबिक आपको विषयों की गंभीरता को समझना होगा, ऐसी खबरों को रोकना होगा जो कानून व्यवस्था पर सवाल बने। सवालों की इस झड़ी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केबल टीवी, डीटीएच और ओटीटी पर तकनीकी पहलू क्या हैं, इन्हें कैसे नियमित किया जा सकता है, इसका पूरा खाका सरकार कोर्ट के सामने पेश करेगी, अदालत समय दे। कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया। टीवी यानी खबरिया चैनल्स की खबरें और कार्यक्रम को नियमित करने और तकनीकी व्यवस्था के बारे में सरकार और सभी पक्षकार इस समय सीमा में जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बात चली है तो आपको एक दिलचस्प बात और बता दें। आज ही के दिन 71 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई हुई थी। साल था 1950 का, लेकिन इस दिन तक आने से पहले न्यायपालिका ने लंबा सफर तय किया था। न्याय को लेकर भारत में सदियों से अलग अलग परंपराएं रहीं। आज जिस रूप में हम न्यायपालिका को देखते हैं उसकी शुरुआत हम 1774 से मान सकते हैं। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय के राज में 26 मार्च को 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना हुई थी। कुछ कुछ आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह इस सुप्रीम कोर्ट के पास भी अंग्रेज शासन में न्यायिक फैसले देने के सभी अधिकार थे। इसके बाद 1800 में मद्रास और 1823 में बंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। फिर 1861 में आया इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट। इसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई की सुप्रीम कोर्ट को भंग करके यहाँ हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अपने अपने इलाकों के लिए पहले वाली सुप्रीम कोर्ट जैसे अधिकार इनके पास थे। आधुनिक भारत का जो सुप्रीम कोर्ट हमें नजर आता है उसके सबसे करीब आया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। तब इसका काम था प्रांतों के बीच के विवादों पर सुनवाई करना, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करना और ऐसे ही दूसरे मैटर। भारत पराधीन था तो प्रांतों के झगड़ों को प्रिवी काउंसिल भी सुनता था। 1947 में हम आजाद हो गए। भारत के लिए संविधान बनाने पर काम शुरू हुआ। संविधान में संविधान के रखवाले के रूप में सुप्रीम कोर्ट की कल्पना की गई। भारत एक गणतंत्र बनना चाहता था, इसलिए प्रिवी काउंसिल की व्यवस्था भी खत्म की गई। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की भी विधिवत शुरुआत हुई। 28 जनवरी 1950 को 6 जजों की पीठ ने एक समारोह में सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज की रस्मी शुरुआत की। इन 6 जजों की पीठ में कौन कौन शामिल था, ये आज के दिन खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश जो अभी के हैं शरद अरविंद बोबड़े, उन्होंने याद दिलाया। तत्कालीन सीजीआई हरिलाल कानिया, जस्टिस फजल अली, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस एमसी महाजन, जस्टिस बिजौन मुखर्जी और जस्टिस एसआर दास। इस समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ मौजूद थे। साथ में थे देश के पहले अटॉर्नी जनरल एमसीसी तलवार। संयोग यह है कि पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट में कई वकील थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई हाई प्रोफाइल केस लड़े। तब भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो भी वकील थे। चलिए ये तो इतिहास की बात हो गई, अब इतिहास और वर्तमान के बीच जो कॉमन वैल्यूज हैं उन पर बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका में सर्वोच्च संस्था है। संसद के बनाए कानून की वो व्याख्या कर सकता है, उसके दिए आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं। वो विधायिका और कार्यपालिका के ऐसे किसी भी कदम को रोक सकता है जो संविधान सम्मत ना हो। और ऐसी ही भारी भरकम जिम्मेदारी के चलते न्यायविद याद दिलाते रहते हैं कि मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट का काम संसद के कानून की व्याख्या और राज्यों के बीच उपजने वाले विवादों को निपटाना है। लेकिन अब अमूमन ऐसे सारे मामले सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं जिनके नाम के आगे चर्चित लग जाता है। ये बहस फिर कभी के लिए छोड़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का हैप्पी बर्थडे है और खुद सीजीआई एसए बोबड़े ने कहा कि इस दिन को हर साल एक उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। और इसी बात पर भारत सरकार के 2 सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो भी सहमत हुए। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा होने लगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।